तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूले की कैटेगरी के बाद हमारी आती है मैथमेटिकल फॉर्मूला की कैटेगरी। अब मैथमेटिकल फॉर्मूला में मैं सारे फॉर्मूला कवर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे हैं जो कि हमारे यूज के नहीं है, इसलिए उसको हम स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबीएस फॉर्मूला से। एबीएस एब्सोल्यूट, ठीक है। जैसे आपके पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में। मुझे आपको प्लस का प्लस तो रखना है, बट माइनस को प्लस कर देना है। राइट सर। तो उसके लिए यहां हम देते हैं फॉर्मूला एबीएस का। एबीएस एब्सोल्यूट नंबर, तो एबीएस इसको सिलेक्ट किया, एंटर। तो जो फॉर्मूला ऑलरेडी है, जो आपका ये है नंबर है, वो तो रहेगा ही रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव कोई पॉजिटिव कर देगा। इसका यूज हमने बहुत सारे जगहों पे करते हैं, याद होगा लास्ट टाइम इसका यूज हमने आपके साथ किया था इसमें रैप्ड फॉर्मूले के अंदर। उसके बाद अगला इसमें जो फॉर्मूला आता है वो एग्रीगेट का फॉर्मूला आता है। अब एग्रीगेट का फॉर्मूला के लिए हमें एक डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एक डेटा लेते हैं। तो एग्रीगेट फॉर्मूला से पढ़ने से पहले हमें सब टोटल का फॉर्मूला पढ़ना होगा। सब टोटल, तो यहां पे मान लीजिए और डेटा है, इसके नीचे हमारे पास टोटल है। तो जैसे कि मुझे सम ऑफ सैलरी पता करना है, तो हमने यहाँ पे टोटल लगाया और फिर यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो टोटल यहाँ दिख रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, जब हम फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करके देखते हैं। इसे मैंने फिल्टर किया और मान लीजिए कि मैंने अप्रैल का डेटा को देखना है, तो यहाँ पे टोटल जो आ रहा है वो अप्रैल का टोटल नहीं आ रहा है। टोटल किसका आ रहा है? ओवरऑल टोटल आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सिर्फ अप्रैल का टोटल दिखना चाहिए। तो यहाँ सम के जगह पे सब टोटल फॉर्मूला लगाते हैं। सब टोटल, सब के सम किसको करना है? हमने बोला सम करना है हमें 9 सम, या इसमें बहुत सारे है काउंट एवरेज में सब है, जो सिलेक्ट करना है उसको सेकंड सम में डाल दें आप। फिर इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर, यहाँ टोटल दिख रहा है। लेकिन जैसे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे और फिल्टर में जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे अप्रैल एंड ओके किया, तो यहाँ देखिए सिर्फ अप्रैल का टोटल आ रहा है। तो जो सब टोटल क्या करता है, जो आपका विजुअल सेल्स है सिर्फ उसी का टोटल करता है। जो विजुअल सेल्स है सिर्फ उसी का टोटल करेगा, बाकी का टोटल नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि डेटा में अगर आपने किसी तरह का एक एरर दे दिया तो यहाँ एरर आएगा। मतलब कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर उसमें आपने एरर का इनपुट दिया तो फिर वो रिजल्ट एरर ही आएगा। यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब टोटल के जगह पे एग्रीगेट का फॉर्मूला लगाते हैं। एग्रीगेट सब टोटल की जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको देगा, इग्नोर करने के लिए देगा कि आप इसमें से कुछ इग्नोर कर सकते। हमने लिख दिया इग्नोर एरर, एरर एंड हिडन वैल्यू 7 दे दिया। फिर हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं, तो यहां देखिए रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है सर। तो एग्रीगेट फॉर्मूला एग्रीगेट फॉर्मूला का यूज क्यों होता है?
एग्रीगेट फॉर्मूला के यूज होता है कि आपके सिस्टम आपके डेटा में अगर एरर है तो उस एरर को इग्नोर करके ये करना, तो ये हमारा एग्रीगेट का फॉर्मूला है। अब एग्रीगेट के बाद दूसरा फॉर्मूला आता है फ्लोर का। फ्लोर से पहले मुझे यहाँ पे देखने होंगे राउंड के फॉर्मूले। अगर किसी नंबर के डेसिमल को राउंड करना है तो हमारे पास एक राउंड का फॉर्मूला होता है जो कि नियरेस्ट वैल्यू को राउंड करता है। जैसे हमने जीरो कर दिया मतलब कि कोई डेसिमल नहीं, अगर एक चाहिए, एक प्लस डेसिमल चाहिए, दो प्लस डेसिमल चाहिए, तो ये जीरो की जगह पर वो नंबर हम डालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 12.45 कर दूं, 12 आया, 12.54 कर दूं तो 13 आ जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट जो होता है वो दिखाता है। दूसरा हमारे पास होता है हमारा राउंड अप। राउंड अप क्या करता है कि हमेशा अपर वैल्यू देता है, एंड हमारे पास एक है राउंड डाउन जो कि हमेशा नीचे का वैल्यू देगा। तो तीन फॉर्मूले होते हैं राउंड के, लेकिन डेसिमल राउंड करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं नंबर राउंड करने की। जैसे अगर आप बैंक में एफडी करने जाएं तो 500 रुपए का मल्टीप्लाई वाला एफडी होता है, मतलब कि आप बोलोगे कि मुझे 8,300 का करना है एफडी, तो नहीं, वो बोलेंगे कि खाए तो 8,000 का कीजिए, अदरवाइज 8,500 का कीजिए। तो छोटे अमाउंट है देख देंगे, लेकिन कोई बड़ा अमाउंट हुआ तो क्या करेंगे। तो जैसे कि हमने ये अमाउंट डाला, इसको मुझे एफडी करना है, तो इतना तो होगा नहीं, तो कितना होगा, तो ये चीज आपका करेगा सेलिंग। सेलिंग मैथ और सेलिंग दोनों सेम होता है, नंबर एंड हमने सिग्निफिकेंट दे दिया, इसने बता दिया 1,65,000 का एफडी होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना कि आप कॉल करते हो तो 60 सेकंड का पल्स होता है ना, मतलब कि आप 1 सेकंड बात करें या 30 सेकंड बात करें या 60 सेकंड बात करें, पैसा तो आपको 1 मिनट का ही लगेगा, 1 कॉल का ही लगेगा। जैसे मान लीजिए 2 रुपए कॉल है तो, या 50 पैसे कॉल है तो आपको 50 पैसे ही लगेगा। तो उसी तरह से मान लीजिए कि आपने 1236 सेकेंड आपने बात किया, तो कितने कॉल्स के पैसे लगेंगे, तो कितने सेकेंड्स के पैसे लगेंगे, तो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला सेलिंग का। इस सेलिंग इसको सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे 60 का पल्स दे दिया, तो 1260 का लगेगा, 1260 सेकेंड का लगेगा, पल्स होगा डिवाइड बाई 60, 21 पल्स लगेगा। उसी तरह से इस तरह का यूज होता है। तो ऊपर की तरफ हमेशा जो करने के लिए सेलिंग का यूज होता है, लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं सर नीचे कम भी चलेगा, तो उस केस में हम फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोर फ्लोर क्या करेगा, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे 500 दे दिया, बताएगा कि आप जो है कम का भी कर सकते हैं। सेलिंग का सॉरी ये तो दे दिया हमने, इसको इसको सिलेक्ट करना होगा ना, 16,45,000। ऐसे यहाँ अगर हम फ्लोर करते हैं, फ्लोर मैथ या फ्लोर दोनों सेम ही होता है, और 60 का सिग्निफिकेंट देते हैं तो यहाँ आपको 1200 आएगा। तो सेलिंग एंड फ्लोर का इस्तेमाल होता है। हम डेसिमल की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए कि मुझे किसी नंबर में से डेसिमल को सिर्फ अलग करना है, तो हमारे पास एक इंट का भी फॉर्मूला होता है जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करता है, मतलब डेसिमल को रिमूव करता है, लेकिन मुझे सिर्फ डेसिमल चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर माइनस इंट, मतलब विदाउट डेसिमल, तो आपको डेसिमल आ जाएगा। एक तरीका ए भी है, लेकिन एक तरीका और भी है, क्या है, हमारे पास मोड का फॉर्मूला है। मोड क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। जैसे मैंने 14 को 5 से डिवाइड किया तो शेषफल 4 आएगा, 5 × 10 तो 4 शेषफल बचेगा ना, तो जो शेषफल है रिमाइंडर होता है वो निकालने का काम करता है। तो एक मैथमेटिकल थ्योरी कहती है कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं,
किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 आएगा, अगर वो नंबर डेसिमल में होगा तो शेषफल आपका डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे ये चीज हम अप्लाई करते हैं कि मोड और हम इसको सिलेक्ट किए और कॉमा हम इसको कर देते हैं 1, तो डेसिमल आ गया। तो बेसिकली इसका यूज हम लोग टाइम निकालने के लिए भी करते हैं, जैसे कि हमारे पास नाउ का एक फॉर्मूला है याद होगा जो कि करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। तो उस केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड 1 देते हैं यहाँ पे, आपको टाइम आ गया हुआ है, सिर्फ टाइम अलग हुआ क्योंकि टाइम जो होता है डेसिमल होता है। तो जब नाउ फॉर्मूला लगता है तो डेट एंड टाइम देता है, तो नंबर हमारा डेट होता है, डेसिमल हमारा टाइम होता है। ओके सर, इसमें और भी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उसको देख लेते एक बार। जैसे अरेबिक, जैसे आपको अगर रोमन में लिखना होता है, जैसे कि आप रोमन में लिखते हैं ना इस तरह से 1, 2, 3, इस तरह से 4, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो नंबर को रोमन नंबर में कन्वर्ट करता है, वो फॉर्मूला है हमारा रोमन का, जो कि इस नंबर को रोमन में कन्वर्ट करेगा। और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास अरेबिक का, अरेबिक फॉर्मूला क्या करते हैं कि इस रोमन नंबर को कन्वर्ट करेगा हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसके अंदर। तो अरेबिक एंड रोमन इस चीज के लिए यूज किया जाता है, बाकी नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसमें, जैसे कि फैक्ट फैक्टोरियल नंबर निकालता है, फैक्ट डबल, तो जैसे इसमें क्या होगा, दो दो का रहता है, जैसे आपने सम संख्या डाला है तो सम का निकालेगा, विषम डाला तो विषम का डाला आपने। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, जो महत्तम हम लोग निकालते थे ना, वो महत्तम निकालने का काम आपका जीसीडी करता है। इंट पता ही, एलसीएम पता ही है आपका, जो मैथमेटिक का एलसीएम है एलसीएम निकाल के देगा। लोवेस्ट कॉमन डिवाइडर, उसके बाद इसमें आपका मोड बता ही दिया मैंने आपको, पाई, पाई का मान है, पावर स्क्वायर निकाल, पावर निकालता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, ऑड ऑड नंबर देगा, इवन इवन नंबर देगा। तो ये आपके मैथमेटिकल्स कुछ फॉर्मूले हैं, राउंड के सारे फॉर्मूले मैंने बता ही दिए। ये आपका स्क्वायर टी है, स्क्वायर रूट निकालता है, जैसे मैंने 16 दिया था, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, तो 4 दिया है, स्क्वायर रूट होता है। बाकी इसमें तो फॉर्मूले वो मैथमेटिक्स है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब चीज मान है, तो ये सब का जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें जो लास्ट फॉर्मूला है आपका सम, सम इफ, सम इफ्स प्रोडक्ट वगैरह, ये हम आपको कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। तो कल की क्लास में हम आपके साथ सम इफ काउंट इफ के बारे में डिस्कशन करेंगे।